नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। झांसी जिले में उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा के पेपर आउट किए जा रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक झांसी रेंज सुभाष बघेल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए राम अवतार सिंह, अभय सैन और राज गुप्ता उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में सॉल्वर गैंग का काम कर रहे हैं। इनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, 4 मोबाइल और परीक्षा संबंधी 3 बंडल प्रपत्र बरामद किए गए हैं। आईजी सुभाष ने बताया कि ये लोग प्रश्न पत्रों और उनके सॉल्व पेपर के आदान प्रदान के लिए व्हाट्सएप, ब्लूटूथ और हाइक मैसेंजर का प्रयोग कर रहे थे। सच जल्द ही सामने आएगा। आईजी सुभाष ने बताया कि इनके पास पेपर कहां से आते थे, इसकी खरीद फरोख्त कैसे होती थी, इन सारी बातों की जानकारी की जा रही है। इतना जरूर बताया कि मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ कागजात की निगरानी करते हुए पुलिस सॉल्वर गैंग तक पहुंच गई। इस कार्रवाई के लिए एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव, सहायक पुलिस अधीक्षक साध मियां खान, सीओ सिटी संग्राम सिंह और प्रेम नगर थाना क्षेत्र के प्रभारी आशीष मिश्रा को बधाई देते हुए 50,000 का पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की शुचिता पूर्वक और सुरक्षित वातावरण में, पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन और मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा समय समय पर हम लोगों को निर्देश मिलते रहे हैं और इस संबंध में मेरे द्वारा और एसएसपी झांसी के द्वारा जनपद झांसी के सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम को निर्देश दिया गया था। और ये गोपनीय रूप से जानकारी मिली थी कि झांसी में एक सॉल्वर गैंग है जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक कराता है और उसको सॉल्व कराने की कोशिश करता है। इस संबंध में जो निर्देश मेरे द्वारा दिए गए थे, तो हमारे एसपी सिटी झांसी श्री राहुल श्रीवास्तव जी इनके द्वारा और सीओ सिटी श्री संग्राम सिंह और एएसपी श्री साध मियां खान इनके द्वारा एक जो है कई टीमों का फॉर्मेशन किया गया, कई टीमें बना के इसमें कार्य की गई किया गया और इसमें 5 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसमें 3 अभियुक्त हैं और जो इस कार्य को कर रहे थे। इसके अलावा 2 इसमें बाल अपचारी हैं। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुकदमा हमने कायम किया है और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, 4 मोबाइल फ़ोन और 3 बंडल जो है परीक्षा संबंधी प्रपत्र बरामद हुए, जिसकी हमारी टीम गहनता से साक्ष्य के दृष्टिकोण से परीक्षण कर रही है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी उसमें इन्होंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इन्होंने व्हाट्सएप, ब्लूटूथ और इसके अलावा हाइक मैसेंजर का इस्तेमाल किया है। इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो इस जनपद के बाहर के हैं, हमारी टीम जो है उनका पीछा कर रही है, हम उसमें लगे हुए हैं और उनकी भी हम गिरफ्तारी बहुत जल्दी सुनिश्चित करेंगे। ये एक बहुत ही जो है रक्सा थाने में 2 व्यक्ति जो कि दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं, ये नौकरी दिलवाने के लिए जो है FCI में ये नौकरी दिलवाने के लिए पैसा वगैरह वसूलते थे, इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ हो रही है और इसमें हम लोग जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने लोग शिकार बना चुके हैं रक्सा वाले में? उसको अभी पूछताछ हो रही है, अभी चीज़ें और निकल के आएंगी तो आपको प्रगति से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू।